हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो जो मैंने भी ऑनलाइन अच्छे से मैंने स्पेसिफिक रही जो डाउट थी तुम मैंने कहते सर स्पेसिफिक रही सर ले आउट टैब विषय में कौन डाउट होती है आप डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली मुझे जाऊँगी जो मैंने भी ऑनलाइन नहांते से पर जो रही यूट्यूब अपलोड कला देखीदेव। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ होम एस वर्ड जो रही तुम मानक मुझे होम मेन्यू इनसर्ट मेन्यू सेकेंड जो रोचे थर्ड जो पटा पेज लेआउट। ओके, तो पेज लेआउट बहुत गुड़ाक डाउट बेले बेले क्वेश्चन आसे जमीक एमसीक्यू आसे से तुमको प्रोब्लम बढ़ी जाए एक्जाक्टली पेज लेआउट हुए कौन पेज लेआउट कौन कौन तार इनस्ट्रक्शन रही कौ कौ टूल कौन व्यवहार अच्छे से सर्टली देखिए जेहतु टाइम भी आम पाखे बहुत समय ना। ओके, ब्रीफ सर्टली कह कि एमसीक्यू तार जो रही है से गुड़ाक प्राक्ट कालापर हिं तुमको जहाँ भी डाउट क्लियर हो। ओके, तो सेपाई फास्ट मुझे कहूँ गोटे ब्लैंक डॉक्यूमेंट नौ सिंपल। ओके, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर देखो तुम ये कौन रही गोटे पेज लेआउट अच्छे देखो स्क्रीन को देखो। ओके, देखो प्रथम रही कौन तुम रही थेम्स। अच्छा, थेम्स मीनस कौन अच्छा गोटे मैं देखो फंड स्टाइल गोटे गोटे थेम्स। ओके, थेम्स हूँ गोटे तुम कौन कलेक्शन। अच्छा देखो थेम्स कौन करवा गोटे मुझे प्रथम गोटे सिलेक्ट करुच्छे। अच्छा गोटे रहा जमी फाइल गोटे दूसरी मुझे। ओके, गोटे फाइल क्रिएट कले फाइल देखो यही तुम पाखे गोटे डॉक्यूमेंट स्टार्ट है। अच्छा डॉक्यूमेंट देखो ये देखो तुम कौन गोटे हेडिंग अच्छे जोटा कि कौन इटालिक अच्छे बट कैपिटल अच्छी प्लस तार कौन देखो कलर अच्छी तार बैकग्राउंड देखो देखिए अलग कलर अच्छे तो युवाक जहाँ भी आम मानक अच्छे ये सब गुड़ाक कौन हो मैक्सीम आम कौन हो गुड़ा गुड़ा गोटे गोटे स्टाइल। अच्छा स्टाइल्स मीन कौन स्टाइल गोटे कलेक्शन अफ तुम मानक कौन अच्छी कलर हो पार किसी बोल्ड हे किसी इफेक्टिव हे कि फ्रंट हे समस्त आम कौन कह गोटे गोटे स्टाइल तो कौन हुए ये तुम पेज लेआउट कौन अच्छे प्रथम जो अप्सन अच्छे से कौन कह सिंपल तुम मानकर स्टाइल करेंगे। देखिए ये जो स्टाइल तुम कौटी अच्छी तुम होम मेन्यू भी अच्छी प्लस तुम पेज लेआउट भी अच्छी। ओके, तो यहाँ गोटे फीचर जहाँकि तुम बोथ ऑप्शन तुम्हें पाइज गोटे ऑप्शन कौन तुम होम मेन्यू देखिए तुम स्टाइल भी जहाँ अच्छी सेम से ही तुम कौटी अगेन तुम रिपीट अच्छी तुम्हारे पेज लेआउट रिपीट हो। ओके, तो केवे भी कन्फ्यूजन हेनी दे पेज लेआउट तुम थेम्स आउ तुम होम मेन्यू थेम्स भितर डिफरेन्स कौन अच्छे। ओके, सिंपल तुम्हारे दुटा जाक इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट जी। अच्छा नेक्स्ट देखिए तो आपको देखो ये भी तुम देखो सेम जो तुम जब क्लिक कर सेम स्टाइल डिजाइन भी चेंज कर तुम रंग जदि किसी पसंद होनी निज अनुसार जो भी कलर तुम चाहिए चूज कर पार। ओके, जोटा कि तुम्हारे जो स्किल टेस्ट तुम्हारे ये बेले बेले क्वेश्चन एराइजेस हुए। ओके, जो मैंने स्किल टेस्ट भी अच्छे से भी डिटेल कहबी। ओके, जेहतु तुम बर्तमान थ्योरी अच्छे से इन डिटेल्स जाऊना। ओके, तो सिंपल तुम मैंने कौन कर जो देख लो दे पेज लेआउट जो प्रथम टूल्स था थेम्स था मैंने जो थी तुम्हें कौन कर किसी भी बैकग्राउंड को चेंज कर एट ए टाइम तार फॉन्ट साइज तार जो हाइलाइट कलर बैकग्राउंड कलर सब गुड़ाक तुम्हें कौन कर इजिली चेंज कर पार। ओके, जो कलर भी दबो सेटा भी तुम निज पसंद अनुसार। ओके, जेहतु परसेंट टू परसेंट तुम्हारे जो कलर चॉइस अलग अलग अच्छे। ओके, नेक्स्ट देखो ये देख लो फंट तुम फंट भी चाहिए चेंज कर किसी ऑप्शन नहीं। ओके, तुम्हारे जो रही फंट। अच्छा ये गोटे फरक कौन हुए जितेबाला तुम फंट को चूज कर तुम होल डॉक्यूमेंट फंट गुड़ाक चेंज हो मीन गोटे सिंगल लाइन नुहे टोटाली होल फीचर तुम डॉक्यूमेंट चेंज हो। ओके, नेक्स्ट जी देखो नेक्स्ट तुम कौन देख नेक्स्ट सब जहाँ इंपोर्टेंट हो। अच्छा देखो ये भी तुम्हारे फ्रंट भी अच्छे। ओके, केवे भी कन्फ्यूजन हेनी जे सर केवल पेज लेआउट थे कि ना तुम जो रही होम मेन्यू से मत देख तुम सेम ऑप्शन अच्छे ये भी तुम फंट चेंज कर पार कलर को भी चेंज कर पार। ओके, से दुईटा जाक तुम इक्विवेलेंट। ओके, कौन प्रकार चेंजेस ना। ओके, जोटा कि एमसीक्यू रो गोटे क्वेश्चन अच्छे जोटा कि तुमको हेल्प से भी कर देख पेज लेआउट होम मेन्यू भितर कमन कौटा। ओके, तो से तुम स्टाइल को चूज कर नेक्स्ट जो तुम पेज सेटअप। अच्छा पेज सेटअप को लेकिन बार बार क्वेश्चन आसे तो पेज सेटअप रही डिफल्ट कौन तो देखो पेज सेटअप देखो सब प्रथम जहाँ से तुम मार्जिन। ओके, मार्जिन्स मीन कौन देखो मार्जिन्स मीन सिंपल देखो बुझा मुझे गोटे यही तो पेज हेनी। अच्छा गोटे ब्लैंक पेज नहीं जाऊँ। ओके, अच्छा देखो ये देख रहा गोटे मार्जिन। अच्छा मार्जिन्स मीन कौन पेज बोर्डर देखो मार्जिन भी तुमको टेबुल जो इनसर्ट कर से भी पचार जाए जो मार्जिन कौन जितेबाला तुम कलम को सेट कर से भी तुम गोटे क्वेश्चन आसे मार्जिन कौन। अच्छा मार्जिन्स मीन कौन किसी स्पेस। अच्छा किसी स्पेस मीनस कि आम जमी बुक रे भी देखा जो प्रकार स्पेस रोचे से ही तुमको एम एस वार्ड कौन रोचे स्पेस रही है। ओके, युवाक आम कौन कहूँ मार्जिन को तुमको एमसीक्यू गोटे क्वेश्चन आसे दे बाय डिफॉल्ट तुम मानक मार्जिन केते रहे। ओके, लेफ्ट साइड मार्जिन केते रहे राइट साइड मार्जिन केते रहे ये तुम गोटे क्वेश्चन बार बार एग्जाम रिपीटेड हुए। ओके, से तुमने टे ध्यान दबो। ओके, नेक्स्ट देखो मार्जिन विषय तो मुझे बहुत किसी कहबी सिंपल तुमने जान मार्जिन्स मीन कौन द पेज बोर्डर जोटा कि ब्लांक रहा दरकार। ओके, ये आम कौन करवा निज अनुसार आम इजिली आम कौन करवा चेंजेस करें बढ़े पार ना आम कमे पार आम मार्जिन जो रही है आम उपर डिपेंड कै। ओके, बाय डिफल्ट आपंकर जो होती है एमसीक्यू को पचारे कि आप निज अनुसार भी चेंज कर पार। ओके, कि मोस्ट लोक गोटे पिला सब कंफ्यूजन हमें दे एग्जाम से
ଦେ ହେଡ଼ର ଫୁଟର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ପ୍ଲେସ୍ ହୁଏ, ଓକେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୁ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ତୁମର ହେଡ଼ର ଆଉ ଫୁଟର ଥାଏ, ତ ସେଠି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ, କେଉଁଠି ହେଡ଼ର ହଉ ବା ଫୁଟର ହଉ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ପ୍ଲେସେସ୍ ହୁଏ, ମାର୍ଜିନ୍ରେ ହିଁ ପ୍ଲେସେସ୍ ହୁଏ, ଓକେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବି ଥିଲା ତୁମର ଏମସିକ୍ୟୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିବ ସେଠି ଦେଖିଥିବ କ'ଣ, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି ରାଇଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍, ଲେଫ୍ଟ ମାର୍ଜିନ୍, ଅପର୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଓ ଲୋୟର୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଓକେ। ତ ସେଠି ତୁମେ ଅପସନ୍ ଟିକ୍ କ'ଣ କରିବ, ହେଡ଼ର ଫୁଟର ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଟପ୍ ଅର୍ ବଟମ୍, ଓକେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବି ତୁମେ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବ, ଯାହାକି ବହୁତ ଇଜି ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ କ'ଣ ରହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ, ଦେ ଗ୍ଲୁଟର ମାର୍ଜିନ୍, GLUTTR ଗ୍ଲୁଟର ମାର୍ଜିନ୍ କ'ଣ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ MCQ, ଓକେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିବି, ୟା ଫିର୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଦେବି, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତୁମର ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଓକେ। ତ ମାର୍ଜିନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବହୁତ କିଛି ଯାଉନି, ମାର୍ଜିନ୍ସ ମିନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ସ୍ପେସ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଓକେ। କିଛି ବି ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମାର୍ଜିନ୍ କହୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାର୍ଜିନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସମୟରେ ବାହାର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଜିନ୍କୁ ବି ରଖିପାରୁ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଯିବ ମାର୍ଜିନ୍ ପରେ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଜିନ୍ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରୁ ଅଲଗା ପେଜ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେନି, ମିନ୍ସ ଥରେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ୍କୁ ସେଟ୍ କଲ ସେଇଟା ତୁମର ହୋଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ, ଓକେ। ଏମସିକ୍ୟୁରେ ବାର ବାର ପଚାରାଯାଏ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ୍ କ'ଣ ହେବ, ହୋଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେମ୍, ଓକେ। ତାକୁ ଏଠି ବି ତୁମର ମାର୍ଜିନ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅପସନ୍ ଥାଏ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ନର୍ମାଲ୍, ଓକେ। ନର୍ମାଲ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତୁମର ଟପ୍ ବଟମ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସବୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହୁଏ, ତୁମର 1 ଇଞ୍ଚର ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ। ସେଇଭଳି ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା ନେରୋ, ସପୋଜ୍ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୋତେ ଟିକିଏ ଅଧିକ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଅଧିକ ଲେଖା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ କ'ଣ କରିବି ନେରୋ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଲା ମୋଡ୍ରେଟ୍, ଓକେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଦେଖ 0.5 ଇଞ୍ଚ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ନର୍ମାଲ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର 1 ଇଞ୍ଚ ରହୁଥିଲା ଆପଣ ଟପ୍ ବଟନ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏବେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନେରୋ କରୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ତୁମର 1/2 ଇଞ୍ଚ, ମାନେ 0.5 ଇଞ୍ଚ, ଓକେ। ସେଇଭଳି ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଅପସନ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଭିତରୁ, ଦେଖ ତ ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 0.5 ଇଞ୍ଚ 1 ଇଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ତ ଦେଖ ନେରୋ କଲେ ଦେଖ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କଲି ନେରୋ, ତ ହୁଏ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା ସେଇଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ନେରୋ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ପେସ୍କୁ ଟିକିଏ କମ୍ ହେଲା, ଓକେ। ଦେଖିବେ ପେଜ୍କୁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରି ଦେଖିବେ ତୁମର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଓକେ। ସେଭଳି କ'ଣ ଅଛି ମୋଡ୍ରେଡ଼୍ ବି ଅଛି, ମୋଡ୍ରେଡ଼୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଟ୍ଅପ୍ ପେଜ୍ର ଟିକିଏ କ'ଣ ହେବ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ଓକେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଲା ତୁମର ପେଜ୍ର ସେଟ୍ଅପ୍, ମିନ୍ସ ବୋର୍ଡ଼ର ତୁମେ କେତେ ଇଞ୍ଚରୁ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାକୁ କରିପାରିବ, ଓକେ। ଯଦି ତୁମେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ବି ଦେଖ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ନିଜ ଅନୁସାରେ ସପୋଜ୍ ଲେଫ୍ଟରେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଦରକାର, ରାଇଟ୍ରେ କମ୍ ଦରକାର, ଟପ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର, ବଟମ୍ ଦରକାର, ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିଜର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ବି ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଯେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ବଡ଼ ଯାଇକି ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁଭଳି ତୁମକୁ ଦରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଇଭଳି ତୁମେ ତାକୁ ଇଜିଲି କରିପାରିବ, ଓକେ। ତୁମେ 2 ରଖିପାରିବ, 3 ରଖିପାରିବ, ଇଚ୍ ସେମିତି ବି ନାହିଁ ଯେ ଚାରିଟି ଯାକ ସେମ୍ ରହିବ, ଓକେ। ନିଜର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଚାହିଁବ ଯେତେ ବି ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରି ଦେଖ ଟୋଟାଲ ପେଜ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କଞ୍ଜୁସ୍ ଭାବେ ପୁରା କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିକି କ'ଣ କରୁଛି ପୁରା ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଦେଖ ସପୋଜ୍ ଯଦି ମୋର ଦେନ୍ 2 to 3 ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରେ ବ୍ରିଫ୍ରେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସମୟରେ ମେ ବି ତୁମକୁ ଟିକିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ହୁଏ କ'ଣ ଆମେ ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ପେଜ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଏଥିପାଇଁ କରୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ପେଜ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ କରୁ, ଓକେ। ତ ସପୋଜ୍ ନର୍ମାଲ୍ କରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫଲ୍ଟ ରହେ, ଓକେ। ନର୍ମାଲ୍ ହେଉଛି ଅଜ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫଲ୍ଟ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ବାର ବାର ଆସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଡ୍ରେଟ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ଆସିବନି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟପ୍ ବଟନ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଏଇ ଚାରିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ଓକେ। ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ର ବାର ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍, ଓକେ। ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଦେଖ ସିମ୍ପଲ୍ ବୁଝ, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ କି ମୋର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ବା ତୁମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଅ ସେ କ'ଣ ରହିବ, ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ପାର୍ଲାର ବା ଭର୍ଟିକାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଅଛି, ଓକେ। ଭର୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଦେଖ ସପୋଜ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତୁମକୁ ଡ୍ର କରିଦେବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ସପୋଜ୍ ଯଦି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଭର୍ଟିକାଲ ଏହିଭଳି ରହିବ, ଓକେ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ସପୋଜ୍ ଯଦି 180 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମର ସାଇଜ୍ ଏଭଳି ଓଲ୍ଟିଯିବ, ଓକେ। ତ ଏଇଟା କାପରେ ତୁମର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ବି ତୁମର ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ, ଓକେ। ସେଭଳି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ତୁମର ପେଜ୍
पेजर जो व्यू अच्छे से तुम्हारे जस्ट चेंज होके से बार बार एग्जाम गोटे क्वेश्चन आसे दे कौटा गोटे तुम ओरिएंटेशन ओके पोर्ट्रेट भी हो पार ना जो तुम लैंडस्केप भी हो पार ओके ये दुटा रहा तुम पेजर ओरिएंटेशन उपरे मोस्टली इंपोर्टेंट आउ कौन क्वेश्चन आसुच्छे मोस्टली देखो आउ गोटे क्वेश्चन आसुच्छे दे पोर्ट्रेट लैंडस्केप भितर कौन रोज देखो तो पोर्ट्रेट तुम्हारे कौन हो देखो ये तुम अलरेडी गोटे पोर्ट्रेट से मुझे लैंडस्केप करी ओके देखो लैंडस्केप जो कर देख तार कौन हो तार जो विथ कौन हो बढ़ी जाए देख कौन जो रहा पेज जो रोच कम पेज तुम्हारे हो पारे जेहतु जो लाइन रो जो रही ड्यूरेशन टा लॉन्ग डिस्टेंस से कौन टे बढ़ी कितना जो पोर्ट्रेट करेंगे से तुम कौन हम टे जो रही जो लाइन टिके कौन रही डिस्टेंस टे कमी जाए ओके तो ये दुटा तुम मोस्ट डिफरेंस हो कौन तुम पोर्ट्रेट लैंडस्केप ओके देखो नेक्स्ट दुटा तुम पेज साइज देखो कौ भाई भाव तुम पेज को प्रिंट आउट करने को चाहो सपोज तुम पाखे जो प्रिंटर अच्छे से ए फोर पेपर अच्छी ना ए थ्री अच्छी ए फाइव अच्छी तो युवक अच्छे पेज रिलिक्स मीनस तुम जो प्रिंट आउट कपि जो पेज रोक तार एक्चुअल एगुड़ा साइज तो हो पारे पेज टू पेज तुम डिफरेंट हो पारे नॉर्मल भाव आम जो प्रिंटर को यूज करूँ जो भी आम डे टू डे अज यूज करूँ तुम ए फोर साइज ओके तो जानते हो सिंपल रूपे तो ये तुम कौन हम देख जो तुम पेज सेटअप कर ये देख तुम सेकेंड जहाँ आसे दे कलम अच्छा कलम को नहीं भी गोटे एम सी क्यू क्वेश्चन था दे मैक्सिमम नंबर अफ कलम वाली भी गोटे गोटे पिला क्वेश्चन थी ओके देखो कलम जो हो कलम आम यही यूज करते न्यूज पेपर गोटे पॉइंट ओके सिंगल कलम डबल कलम थर्ड कलम यह डिफरेंट टाइप अफ कलम भी अच्छे ओके नेक्स्ट देख सब जहाँ इंपोर्टेंट हो तुम्हारे ब्रेक्स अच्छा ब्रेक जो रहा ब्रेक्स रो भी बहुत कुछ एम सी क्यू बार बार आसे ओके दे ब्रेक्स मीनस कौन ब्रेक कौटी यूज हुए ये गुड़ाक भी आसे नेक्स्ट है लाइन नंबर ओके लाइन नंबर भी तुमको आसे तो देख लाइन नंबर सब देखो सपोज जब मुझे तुम ऑप्शन गुड़ा देखा कंटिन्यूस अच्छी स्टार्ट इच पेज अच्छे रिस्टार्ट इच सल्यूसन अच्छे ओके सेक्शन अच्छे तो देख जो मुझे गोटे पेज नंबर कली तुम रहा लाइन नंबर लाइन नंबर कौन देख इज तुम लाइन को गोटे गोटे काउंट हो तो लाइन काउंट होबार कारण कौन देख तुम्हें जब स्पेस देचो से तुम काउंट हो ओके तो सिंपल आम डे टू डे भाव लाइन नंबर को यूज करूँ कि लाइन नंबर गोटे फायदा हुए कौन इज गोटे गोटे लाइन को से काउंट करो ओके देख ये तुम रहा कौन नेक्स्ट देख सेक्शन देख इच सेक्शन मीनस कौन गोटे पेज पर जो सेकंड पेज हुए एगेन से कौन हुए तुम कंटिन्यूस स्टार्ट न कौन हुए एगेन देख देख प्रथम पेज तुम वन टू थर्टी टू थी सेकंड पेज कौन है पुणी एगेन वन टू स्टार्ट ओके तो यही तुम कौन हो जो रही लाइन नंबर यूज हुए ओके नेक्स्ट मोर देख रहा कौन ये हाइपोटेंस देखो यहीटा जो रोचे हाइपोटेंस सेटा मे बी तुमने डे टू डे लाइफ बहुत इजिली व्यवहार करो ओके इजिली मीनस कौन देख सपोज जब गोटे वार्ड को लिखा कौन लिख जब आम किसी वार्ड को लिखुचे सपोज कौन है गोटे लाइन रेष भाग कौ ओके अलरेडी देख शेष भाग गला कौन सपोज आम वार्ड को कौन कल लिखे समय अधा रहा सपोज देख जमी गोटे वार्ड मुझे लिखी वेलकम ओके तो कौन देखो वेलकम कौन डब्ल्यू एल है आम कौन को गोटे छोट हाइफेन दू एगेन से कौन कह सेकेंड यूज करूँ ओके अच्छा यहाँ तुमको स्क्रीन में देखा ही ठीक है जेहतु डे टू डे लाइफ तुम यूज करो किंतु स्क्रीन में देखने तुम बुझे देखो सपोज ये मुझे लिखिली तुमको वेलकम बोली मुझे लिखिली ओके देखो वेलकम जो लिखिली ये कौन है गोटे जो रही वार्ड तुम कौन है एक्जाक्ट रहा जब मुझे किसी स्पेस दे सपोज देखो वेल को आम गोटे लाइन रखा और कम को आउ गोटे लाइन रखा ओके देखा कौन देखो जो वेल आउ कम को जब अलग अलग लाइन रखा सपोज ये एगेन टी स्पेस नौ अच्छा देख इला देखो नेक्स्ट अच्छा अच्छा वेलकम को प्रैक्टिकल देखा ना अच्छा किसी असुविधा ना देख सपोज जब मुझे तुम हाइपेंडेन्स को अन् करुँ ओके ये देखे अटोमेटिक रहा अटोमेटिक रहा देख ए तुम कौन देख ये देख देख एक्जाक्टली स्क्रीन देख बहुत जगह तुम ये यूज हो देख सपोज देख जमी कौन देख एस वाई एन पर देख गोटे छोट गार अच्छी सिंपल देखा थो ये देख तुम सेमती रहा अच्छा वेलकम को रियल देखे ओके किसी मुझे टाइप करदे ओके मन इच्छा देख ए देख एक्जाक्टली देख ए पॉइंट देख कौन है डब्ल्यू एल पर देख गोटे छोट तुम हाइपेंडेन्स रहा कि ना हाइपेंड रहा ओके देख एगेन कमेन्स कौन वेलकम गोटे वार्ड जोटा कि तुम कौन है वेल पर गोटे हाइपेंड रहा जहाद्वारा आम कौन जापर दे ये हूँ गोटे वार्ड ओके तो ये हाइपेंड भी तुम कौटे तुम पेज लेआउट अच्छे ओके बार बार एमसी करेंगे गोटे क्वेश्चन पचार जाए जो तुम हाइपेंड कौटी तुम रही ओके तुम कौट था तुम तुमको पेज लेआउट था ओके जब आम अफ करदे एवं देख तुम कौन है किसी किसी वार्ड कौन देख जो गोटे वेलकम थी एगेन आसगल ओके तो अटोमेटिकली तुम कौन तुम्हें जो रही हाइपन जो रही हाइपन को देवा दरकार नहीं अटोमेटिकली कौन हम सी निजे ही बुझे ओके नेक्स्ट तुम सब इंपोर्टेंट हूँ वाटरमार्क अच्छा वाटरमार्क देख सिंपल बहुत जानी थोड़ा वाटरमार्क कौन जो आम किसी भी जिनको प्रोटेक्टेड हूँ ना जमीक आम कोचिंग रो भी हो डे टू डे लाइफ जब आम किसी जब ना देखा चाहते बैकग्राउंड कौन को आम वाटरमार्क यूज करूँ ओके वाटरमार्क भी देखो बाय डिफॉल्ट तुम कॉम्पिटेंटल वन टू डू नॉट कॉपी एवं डू नॉट कॉपी टू यही तुम डिफॉल्ट था ओके या पर मैं कौन करें सैंपल भी थाए ओके युवा तुम बाय डिफॉल्ट तुम ऑप्शन
गुड़ा था एम एस वार्ड रोके किंतु एथपाई तुम्हें कौन कर मे भी तुमने चाहिए निज अनुसार भी चेंजेस कर देख मुझे सैंपल उपर क्लिक करी से तुम बैकग्राउंड में यह सिंपल आसगल ओके तो देख तुमने कौन कर जो रही ऑप्शन तो बहुत गुड़ाक अच्छे कितना कंपिटेटिव तुम्हें एत भी दरकार ना ओके सिंपल खाली बुझिकी चलो कौन रहा नेक्स्ट पॉइंट कौन रख तुम्हें कस्ट्यूम कस्ट्यूम मीनस कौन तुम्हें निज अनुसार सपोज ये रहा सैंपल ओके सैंपल को चेंज कर कौन करा आम किसी भी निजे भी करके सपोज ये तुम्हें दुईटा सेटअप कर प्रथम तुम पिक्चर ओके किसी भी बैकग्राउंड में पिक्चर देवा चाहो तुम कौन कर सिलेक्ट द पिक्चर को चूज कर सेकेंड रहा तुम टेक्स्ट टेक्स्ट मीनस कौन किसी भी लिखित भाव तुम्हें किसी भी जमी रहा तुम बैकग्राउंड में सैंपल अच्छे सैंपल को आम कट कर कौन करवा निजे लिखा कौन लगे सपोज जब ये मुझे लिखुच तुम्हारा सपोज ये मुझे देख फंड भी चेंज करी तुमको जहाँ दरकार कंप्यूटर भी ये लिखली काली फिर कली ये तुम देख जो स्केल रही है स्केल को भी मुझे कौन करुमर ये चेंजेस करके तो देख ए तुम्हें कलर भी चाहिए देपार सेमती किसी ना कलर भी रेड ब्लैक तुमको जो कलर दरकार कलर भी नहीं पार सैज भी तुमने ये चेंज करके एप्लाय देख जो एप्लाय पाक कली देख तुम बैकग्राउंड कौन देख कंप्यूटर थी कंप्यूटर चेंज होगा सपोज जब मुझे सैज टी बढ़ाऊँ ओके सैज को बढ़ाला पर देखो कौन है तुम्हारा देख तुम्हें ये दुईटा ऑप्शन रोचे गोटा है तुम्हारा एक्जाक्टली देख हाँ देख तुम्हें सैज जो बड़े तुम आहरी भी सैज बढ़े पार तुम निज पसंद अनुसार ओके तो व्टर मार्क से स्पेसीफिकाली बहुत किसी एमसीक्यू आसे नहीं कितु जो स्किल टेस्ट आसे स्किल टेस्ट आपंकर गोटे क्वेश्चन आसे दे तुम व्टर मार्क दि ओके तो ये तुम देख दुईटा रहा गोटे तुम डायगोनल सेकंड हाल हॉरिजॉन्टल ओके डायगोनल हॉरिजॉन्टल दुईटा जाक तुम्हें निजर जो रही क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन अनुसार आराम से कर पारे ओके सेमती किसी तरह रेस्ट्रिक्शन ना ओके तो व्टर मार्क मोस्टली दुईटा क्वेश्चन आसे एमसीक्यू भी आसे जोटा कि तुमको प्राक्ट सेट भी अच्छी ओके देख ये तुम डायगोनल है डायगोनल मीनस कौन जहाँ कर्ण कहते ओके दुईटा कौन मैंने से गोटे जमी रहा वर्टिकल मीनस कौन सीधा रो हॉरिजॉन्टल मीनस तुम भूमि सहित पाला हम डायगोनल मीनस कौन तुम कोण रू कोण ओके जहाँ को आम कर्ण भी कहू ओडिया ओके तो डायगोनल भाव तुम सेटअप कर सो एमसीक्यू कौन आसे दे वाटर मार्क कैन बी ओके गोटे वाटर मार्क को तुम कौ भाव सजा पार से तुम डायगोनल भी थी ओके तुम से कौन हॉरिजॉन्टल भी थी वर्टिकल थी ओके तो सीटी तुम सपोज कर वर्टिकल तुम से टिक आउट करना ओके नेक्स्ट देखिए तुम पेज कलर ओके पेज कलर देख कौन रहा पेज कलर सिंपल हो कहवा दरकार नहीं पेज कलर मीनस से जो ऑप्शन ही तुम्हें बुझाऊ पेज कलर को कौन ओके पेज कलर करा द्वारा कौन हो नॉर्मल आम बाय डिफॉल्ट हम पेज व्हाइट कलर थे सपोज जब आमको किसी कलर प्रिंटर किसी डिजाइन दरकार बैकग्राउंड तुम जो कलर रही कलर को चेंजेस करवा दरकार तुम्हें सिंपल कौन कर जेकोसी कलर भी चूज कर ओके किंतु प्रिंटर तुम कलर प्रिंटर होगा दरकार ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर तुम रही ब्लैक एंड व्हाइट पेपर तुम्हें जब कलर प्रिंट बाहर करो हम ना से तुमको जो रही प्रिंटर जब तुम्हें कलर प्रिंट बाहर करो से तुम कौन कर कलर जो पेज कलर को आराम से यूज कर पार नेक्स्ट है पेज बॉर्डर ओके पेज बॉर्डर को एवं देखो मोस्टली तो क्वेश्चन आसे नहीं पेज बॉर्डर खाली मार्जिन उपर आसे क्वेश्चन तथापि पेज बॉर्डर को आराम से बुझीदे ओके देखो पेज बॉर्डर जहाँ अच्छे आस मार्जिन को नॉर्मल कर दे पेज बॉर्डर अच्छे ओके देखो पेज बॉर्डर भी देखो तुम प्रथम रहा बॉक्स को क्लिक कला पर कौन हम तुम्हारे देखो बहुत गुड़ाक ऑप्शन अच्छे दे डॉट डॉट मार्क दबो कि डबल लाइन दबो बहुत गुड़ाक अच्छे ओके से तुम इजिली कौन कर जो डिजाइन आमको पेज दरकार जो डिजाइन स्टाइल दरकार आम आराम से क्लिक करवा ओके ये देखो तो तुम कलर अच्छे सपोज जब तुम कलर भी चूज करवा चाहो जो बॉर्डर दबो डिजाइन ताको भी कलर रेड चूज कर पार्ब नेक्स्ट ओके ओके एवं देखो तुम कौन अच्छी जो तीन जगह पेज कौन तुम्हारा बॉर्डर गोटे सेटअप हो सारी ओके बॉर्डर मीनस कौन बाउंड्री लाइन ओके एक्जाक्टली नेक्स्ट सपोर्ट इंपोर्टेंट हूँ तुमको कौन इंडेंट इंडेंट को लेकिन भी मुझे क्लास भी कही प्लस जो मैं भी ऑनलाइन अच्छे भी कहुई दे इंडेंट मीनस कौन स्पेसिफिकली ओके इंडेंट तुमको होम मेन्यू भी ऑलरेडी अच्छी ओके पाराग्राफ मेन जो अच्छे से भी मुझे प्रीवियस किसी वीडियो भी अपलोड होता है जो मैंने देखी थी दे इंडेंट प्रैक्टिकल यूज बहुत गुड़ाक अच्छे स्किल टेस्ट भी इंडेंट पचार जाए लेफ्ट इंडेंट कौन हैंगिंग इंडेंट कौन इंडेंट भी पचार जाए ओके देख प्रथम इंडेंट जो मुझे बढ़ोची देख सपोज एगेन मुझे पेज लेआउट कली ये देख तुम इंडेंट देख ये कौन है तुम हाफ इंच है सपोज जब मुझे बढ़ोची वन 1.5 यही कौन हम तुम बढ़ी बढ़ी ओके तो इंडेंट भी क्वेश्चन आसे दे इंडेंट के प्रकार भी आसे सीटा तुमको एम सी यू अच्छे ओके तो इंडेन्स मीनस कौन तुमको मोबाइल सपोज जब आम टैब की यूज करूँ टैब की यूज नक आम कौन करवा इंडेंट को यूज करके नेक्स्ट देखिए कौन अच्छे अच्छा इंडेंट रो देख ये गोटे रहा तुम एलाइनमेंट आउ इंडेंट देख इंडेंट आउ एलाइनमेंट रे बहुत गुड़ाक फरक अच्छे बार बार मुझे एलाइनमेंट मीनस तुम तीन प्रकार अच्छे लेफ्ट अच्छे राइट अच्छे जस्टिफाई अच्छे सेंटर अच्छे किंतु तुम जो इंडेंट को यूज कर सी तुम कौन हम मोस्टली तुम दुईटा ही आसो गोटे लेफ्ट गोटे राइट ओके कन्फ्यूजन हम ना बार बार कौन इंडेंट तुम लेफ्ट ही राइट ही अच्छे ओके सेंटर कि जस्टिफाई बोलिए तुम किसी भी इंडेंट ना जोटा कि एमसीक्यू बार बार पचार जाए
ओके से भूल करिवन ओके देख लो तुम्हें राइट कौन कला राइट जब इंडेंट करे तो कौन हम तुम राइट पटू से कौन हम तुम चेंजेस हो मोबाइल होते कि लेफ्ट कले तुम लेफ्ट इंडेंट रू लेफ्ट साइड तुम कौन हो लाइन गुड़ाक चेंजेस हो ओके सिंपल बुझल नेक्स्ट देखा स्पेसिंग अच्छा स्पेसिंग मीन जानो गोटे लाइन पर अगर लाइन जो कहूँ आम स्पेसींग कहूँ ओके अच्छा स्पेसींग भी जदि रियलिस्ट देखा ये तो मुझ स्पेस इनक्रीज कले मे भी प्रॉपर्ली विजिबल हो नथिबो अच्छा मुझ गोटे लाइन को सिलेक्ट करुच्छी एवं देखा स्पेस को इनक्रीज करवा एटी भी जो बिफोर या फिर आफ्टर करुच्छी मे भी प्रॉपर्ली विजिबल अच्छा किसी असुविधा ना गोटे ब्लांक को नहीं जाठी रियल देखा एक्चुअल हुए कहली ओके दे स्पेसिंग एक्चुअल हुए कि गोटे क्वेश्चन भी तुम्हारा अच्छे एमसीक्यू सेट्रे भी पिछले कंफ्यूजन हम मुझे निश्चित जानी से अच्छा सपोज लोक कौन लगे डिजिटल कंप्यूटर मुझ टाइप करदे ओके इनस्ट्यूट लिखिद ओके हाँ चलो अच्छा देख हाँ डिजिटल कंप्यूटर मुझे लिखुच्छे इनस्ट्यूट लिखा यू कौन करें कॉपी पेस्ट करवा जेहतु गोटे लाइन को जब नहीं देखा स्पेसिंग रो एक्जाक्टली पॉइंट ऑफ व्यू मे बी मुझे भावी जस्टिफाई हो पार जानपर से मुझे कौन करुच्छे बार बार कॉपी पेस्ट करदे ओके सपोज ये गोटे पाराग्राफ तुम ओके एवं कौन कर देख ये तुम अच्छे लाइन स्पेसिंग अच्छे ओके मुझे प्रथम रिमूव कर देली अज नर्माल एवं जीवा पेज लेआउट जा देख पेज लेआउट जो मुझे बढ़ाऊँ स्पेसिंग कौन हो देख ये बिफोर मैंने इच लाइन रिफोर कौन हो कि स्पेसिंग एटी बढ़ुच्छे ओके सपोज यू कमेदी अज नंबर नर्माल एवं कौन करवा आफ्टर स्पेसिंग आफ्टर स्पेसिंग मीन कौन से ही लाइन रवर्त समय कौन कर तुम्हें किसी स्पेस देवाक चाहूँ अच्छा टोटाल होल पाराग्राफ रे बुझेलानी सर अच्छा किसी असुविधा ना अच्छा देख सपोज मुझे गोटे सिंगल लाइन को सिलेक्ट कली ओके सिंगल लाइन को सिलेक्ट कला एवं देखिए एवं देखो आराम से बुझीपर सपोज देख मुझे कौन करुच्छे एवं बिफोर पर देख इनक्रीज तो देख सपोज देख ए सिलेक्शन एरिया देख प्रथम मोर जो लाइन थी एटी थी एवं कौन हो धीरे धीरे तौक मुव होके एगेन जब मुझे किसी बढ़ाऊँ बिफोर एगेन किसी आसूस सपोज एवं कह आफ्टर ओके एवं देख मोर लाइन पर कौन हो धीरे धीरे स्पेस बढ़ी बढ़ी जाऊँच ओके तो देख लो सिंपल स्पेसिंग मीनस कौन गोटे लाइन भी हो गोटे पाराग्राफ हो से दुईट लाइन भितर हो दुईट पाराग्राफ मध्य आम जो स्पेस को बढ़ेगा से आम कौन कर बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग भी यूज सिंपल करपरिया ओके एवं आम सिंपल बुझे स्पेसिंग कौन अच्छा आ किसी डाउट थी कि ना अच्छा सिंपल अच्छा जो मैंने भी अनलाइन नहांती या फिर जो मैंने भी अनलाइन अच्छ व्हाट्सएप ग्रुप भी करपरिया ओके डाउट थी नेक्स्ट देख सिंपल रहा कौन तुमर ये देखिए तुम मानते पोजिशन जाऊँच से एक्चुअल कौन ओके से मुझे स्पेस को प्रथम रहा अच्छा किसी भी सेप को ड्र करदे स्माइल को देदेव किसी कलर भी देदेव ओके तो देख एवं जी पेज लेआउट जी ओके देख जिते बड़े पर्यटन मुझे ऑब्जेक्ट को क्लिक करना से पर्यटन देख तुम अलाइनमेंट बाय अरेंज एक्टिव है जिते बड़े मुझे कौन कली ये स्माइल को क्लिक कली तुम कौन है युवाक एक्ट होगा सपो देख ये मुझे अप्सन नौ प्रथम देख बहुत गुड़ाक अप्सन अच्छी देखो ये वार्पिंग भी गोटे एमसीक्यू अच्छी ओके जो मैंने एमसीक्यू प्राक्ट करके वार्पिंग भी कौन क्वेश्चन आसे वार्डिंग मेन बाय वार्पिंग वार्पिंग भी बहुत गुड़ाक एमसीक्यू बार बार आसे ओके तो वार्पिंग कौन जो आम वार्पिंग देख गोटे सपोज मुझे गोटे चूज कली देख जितेबाला ये कहली पोजिशन विथ लेफ्ट ओके ताहले कौन हम तुम जो रही सेप गुड़ाक गोटे पिक्चर हो कौन हम लेफ्ट जीव नेक्स्ट देख ये तुम कौन रहा पिक्चर देख पोजिशन चेंज कला देख तुम एगेन देख ये अच्छे जमी लेफ्ट राइट टॉप बटन सेंटर युवाक गले तुम कौन हम पेज रे तुम ऑटोमेटिकल मूव हो मीन तुम माउस रे ड्रैग न करके ऑप्शन रे ये तुम क्लिक कर ओके नेक्स्ट सब जहाँ इंपोर्टेंट हुए दे जिते बी तुम वार्पिंग करो से तुम ऑप्शन रे गोटे आसे दे वार्पिंग विथ बिहाइंड टेक्स्ट इन फ्रंट टेक्स्ट यही गुड़ाक मत तुम एमसीक्यू रे बेले बेले कंफ्यूजन भाव आसे ओके देख ये गोटे सिंपल कौन जो देख ये मुझे कौन कली ये देख गोटे ऑप्शन तुम अच्छी ब्रिंग टू फ्रंट एवं सेंड टू बैक ओके यटा को आम बुझापी कौन करवा सपोज आउ गोटे सेप आनी ड्र करदे जे इजिली बुझापी ओके देख ये मुझे कौन कली गोटे रेक्टांगुलर सेप कली आपको ऑरेंज कलर देदेव एवं देख कौन है आमर जो स्माइल रहा है कौन है तुमको ये जो रेक्टांगुलर पछपट रहीगल ओके सपोज मतलब स्माइल को आगे आने वाले तो सिंपल मुझे कौन करी प्रथम स्टेप कौन रही जो स्माइल पर क्लिक करी स्माइल को एक्टिव कली एवं कौन कली ब्रिंग टू फ्रंट ओके ब्रिंग टू फ्रंट है कौन है तुम बैकग्राउंड तुम कौन है ऑरेंज कलर जो रही है रेक्टांगल रहा एवं आगे आसा सपोज से भाई मुझे ब्रिंग टू बैक कले सेंड टू बैक कले कौन हम तुम स्माइल टी पचर जी ओके तो जो वार्पिंग जो है जहाँ आम कौन कहूँ आपको एरेंज जो रही एरेंज टूल यही गुड़ाक फायदा कौन तुमको जो भी ऑब्जेक्ट को आम आगू या फिर पचक आनी पार ओके से भाई आम कौन कह टेक्स्ट भी आम एप्लाई कर सपोज देख मुझे कौन कली अच्छा यहाँ था अच्छा टेक्स्ट कौन करेंगे सपोज आम स्माइल रहा स्माइल पचर कौन मोर किसी लेखा रही जाए ओके मुझे मोर लेखाटी भी सेफ्टी प्रति देखा जाऊँ जो रहा सेप कौन प्रॉपर्ली विजिबल हो ओके से मुझे कौन करी ये देख तुम ऑप्शन अच्छे स्क्वायर टाइट बिहाइंड द टेक्स्ट ओके युवाक मोस्टली रिपीटेड तुम एमसीक्यू भी आसे ओके देख कौटा ये भितर गोटे ऑप्शन ओके टेक्स्ट वार्पिंग देख ए टेक्स्ट वार्पिंग कौन कल देख तुम ये कौन कली
ଫ୍ରଣ୍ଟ କଲି। ଦେଖ ଏଠି ତୁମର କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ରହିଲା ସାର୍କୁଲାର ସେପ୍ରେ ରହୁଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ସେପ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଟେକ୍ସଟ ଟାଇପିଂ କରୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ସପୋଜ୍ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର, ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେପ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର ଲେଖାର ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଲେଖାର ଆଗରେ ବି ରହିଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାର୍ପିଂ ଅଛି, ଯାହାକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ସେପ୍ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଟେକ୍ସକୁ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇମେଜ୍ ବା ସେପ୍କୁ ଆମେ ଡିଫଲ୍ଟ ହେଉ ବା ଆମର ନିଜ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବୁ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟଲି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବେଳେବେଳେ ପଚରାଯାଏ ଯେ ୱାର୍ପିଂକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଓକେ, ତ ୱାର୍ପିଂରେ ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଅପସନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ସବୁଠୁ ଯାଇ ପଡ଼ା ହେଉଛି ଏଲାଇନ୍। ଓକେ, ଏଲାଇନ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖ ସିମ୍ପଲ୍, ପିଲାମାନେ ବାର ବାର ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏଲାଇନ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍। ଦେଖ ଏଲାଇନ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କେବଳ କେବଳ ତୁମର ପିକ୍ଚର ପାଇଁ ହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଠି ତୁମର ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ସପୋଜ୍ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଲାଇନ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେବେ ବି ଏଇ ଅପସନ୍ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏରେଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ସପୋଜ୍ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦୁଇ ତିନିଟା କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି ସ୍ମାଇଲ୍କୁ। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଠି ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ତିନିଟା ସ୍ମାଇଲ୍ର ସେପ୍ ରହିଲା। ଓକେ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ କଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ କଲି, ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ହେଲା। ଏଗେନ୍ ଦେଖ ସପୋଜ୍ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ସେଣ୍ଟର, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ହେଲା। ଏଗେନ୍ ଯଦି ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଟପ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଟପ୍ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ କଲା ସେପ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଲା। ଓକେ, ଯଦି ତୁମମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କ'ଣ କର, ମାଉସ୍ରେ ବି ଏଇଭଳି ଡ୍ରାଗ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତ, ଡ୍ରାଗ୍ କରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲ ତୁମର ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ, ସେଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସିମ୍ପୁଲ କ'ଣ କରିପାରିବ ଯେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମର ଡ୍ରାଗ୍ ନ କରିକିରି ବା ମାଉସ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିକିରି ସିମ୍ପଲ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ରହିଛି ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସିଫ୍ଟ କୀକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୁପ୍। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମେ ଏଲାଇନ୍ ବୁଝିଲେ, ଏବେ କହିଲା ଗ୍ରୁପ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ତିନିଟା ଯାକ ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଅଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା, ଏଗେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯଦି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତିନିଟା ଯାକ ମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଗ୍ରୁପ୍। ଓକେ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଦେ ଗ୍ରୁପ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାରେ ଗ୍ରୁପ୍। ଓକେ, ଗ୍ରୁପ୍କୁ କଲା ପରେ ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପୁଲ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ତୁମର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗେନ୍ କ'ଣ ହେବ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଓକେ, ତ ଗ୍ରୁପ୍ ମିନ୍ସ ଜାଣିଛ ତିନିଟା ବା ଚାରିଟା ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମ ଲାଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରୋଟେଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ରୋଟେଡ଼କୁ ନେଇକି ପାଇଁ ସିମ୍ପୁଲ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ଅଛି ସ୍ମାଇଲ୍, ତ ରୋଟେଡ଼ ବୁଝିବନି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେପ୍ ଆଣିବା, ଅଲଗା ସେପ୍ ମିନ୍ସ ସପୋଜ୍ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏରୋ ମାର୍କ ଆଣିବ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଏରୋ ମାର୍କ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଜାଣିପାରିବ। ଓକେ, କଲର୍ ବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ର ରୋଟେଡ଼ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ରୋଟେଡ଼ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ରହିଲା ତୁମର କ'ଣ ରହିଛି, ଏଠି ରୋଟେଡ଼ 90, ରୋଟେଡ଼ ଲେଫ୍ଟ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଠି ତୁମର ଅଛି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଅଛି, ହରିଜଣ୍ଟାଲ୍ ଅଛି। ତ ତୁମମାନେ ଅଜ୍ ନିଜର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଭାବେ ତୁମେ ରୋଟେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରୋଟେଡ଼ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଯାହାକି ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କୁ, ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁ, ତୁମର MS ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଓକେ, ତ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ର ସଭା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଥେମ୍ସ କ'ଣ, କଲର୍ ଥିଲା, ଫଣ୍ଟ ଥିଲା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଦେ ମାର୍ଜିନ୍ କ'ଣ, ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ହେଲେ ସାଇଜ୍ ବି ତୁମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଲମ୍ ବି ଅଛି 1, 2, 3, ସେଇଭଳି କ'ଣ ପେଜ୍ ଅଛି, ତୁମର ବ୍ରେକ୍ସ ଅଛି, ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବି ଥିଲା, ଓକେ, ହାଇପରଟେନ୍ସ ହେଲା, ୱାଟର୍ ମାର୍କ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ପେଜ୍ କଲର୍ ବି ଥିଲା, ପେଜ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ପେସିଂ ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଂର ବି ବେଳେବେଳେ MCQ ବହୁତ ବାର ବାର ଆସେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ପେସିଂ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେ ଟୋଟାଲ ହୋଲ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ବି କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲାଇନ୍ ବି କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆରେଞ୍ଜ, ଆରେଞ୍ଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ, ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆଣିପାରିବ, ବ୍ୟାକ୍କୁ ନେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ, ଟେକ୍ସଟ ୱାର୍ପିଂ, ଟେକ୍ସଟ ୱାର୍ପିଂର ବି କ'ଣ ଥିଲା, ଟେକ୍ସଟ ୱାର୍ପିଂକୁ ତୁମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଅପସନ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତୁମର ଆଲାଇନ୍। ଓକେ, ଆଲାଇନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, 2 ବା 3ଟା ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଲାଇନ୍ କରୁଛ ସେଠି ତୁମର ଆଲାଇନ୍ର ୟୁଜେସ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତୁମର ଗ୍ରୁପ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଏଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ 2 ବା 3ଟା ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଯଦି କିଛି ବି ତାର କ'ଣ କରୁଛ, ସାଇଜ୍ ସେପ୍ ବା ତାକୁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ, ସେଟା ତୁମେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିପାରିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଲା ରୋଟେଟ୍, ରୋଟେଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ କରିବ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସେପ୍ରେ ଦରକାର, 90 ଡିଗ୍ରୀ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ହେଉ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହରିଜଣ୍ଟାଲ୍, ରୋଟେଟ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଏତିକି ହିଁ ଅପସନ୍ ଥାଏ ଯାହାକି MCQରେ ବି ଆସେ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ମୋଷ୍ଟଲି ଆସେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଟୁଲ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ମେମୋରାଇଜ୍ ବି କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଥେମ୍ସ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତୁମର ପେଜ୍ ରହିଲା, ପେଜ୍ ସେଟ୍ ଉପରୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବ। ଓକେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ରହିଛି।